सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। सरकार के सचिव श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखंड ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हुसैनाबाद के जीर्णोद्धार कार्य के लिए 2,09,62,939 रुपए की स्वीकृति दी है। इस आशय का पत्र हुसैनाबाद हरिहरगंज विधायक कमलेश कुमार सिंह ने संलग्न करते हुए विज्ञप्ति जारी कर कहा कि उन्होंने गत माह औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हुसैनाबाद को 5 शिक्षकों की पदस्थापना कराई है। उन्होंने बताया कि केंद्र का प्रशासनिक भवन व कर्मशाला जर्जर स्थिति में है, इसके जीर्णोद्धार की मांग वो लगातार कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा। उन्होंने कहा कि 6 सितंबर 2021 को उन्होंने विधानसभा में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हुसैनाबाद के प्रशासनिक भवन व कर्मशाला की स्थिति जर्जर होने का मामला उठाया था, जिसका परिणाम है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हुसैनाबाद के विभिन्न भवनों के जीर्णोद्धार के लिए विभाग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2,09,62,939 रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। विधायक कमलेश कुमार सिंह ने कहा है कि उन्हें हुसैनाबाद की एक एक समस्या की जानकारी है। विद्यार्थियों के हित में कॉलेज को बेहतर करने के अलावा अन्य कई कार्य किए गए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त किया जा रहा है, इसी कड़ी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हुसैनाबाद का जीर्णोद्धार भी शामिल है। उन्होंने हुसैनाबाद हरिहरगंज वासियों को नव वर्ष की अग्रिम बधाई दी। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्ष में हुसैनाबाद में विकास के कई बड़े कार्य कराए जाएंगे, जिसके लिए वो प्रयासरत हैं।